कि नो कॉन्फिडेंस मोशन था आज ज्योति शर्मा जो जिला परिषद की चेयरमैन थी उनके खिलाफ 6 तारीख के लिए। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि माननीय हाईकोर्ट ने भी ये था कि मीटिंग एक बार फिक्स करके कि इलेक्शन प्रक्रिया करानी है, जब भी करानी करानी है इन ए टाइम बाउंड मैनर, तो आज की डेट रखी हुई थी। तो 3 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी थी, 3 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, 3:30 बजे तक ये था कि जो भी आना चाहे वो आ सकता है मेंबर, 3:30 बजे के बाद टाइम बाउंड था ये, 3:30 बजे पहले ही इसकी सूची उनको बता दी थी कि 3:30 बजे बाद यदि मेंबर बाहर भी खड़ा होगा तो एंट्री नहीं होगी। फिर मीटिंग 3 बजे फिक्स थी, उसके बाद डिस्कशन होना था, उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ती तो मतदान होना था। क्यों, चूँकि ज्योति शर्मा ने अपना त्यागपत्र दे दिया है तो खुद विधायक उन्होंने 13 पार्षद जिन्होंने हाथ उठा के उनके अगेंस्ट कहा कि हम उनके अगेंस्ट हैं, उन्होंने कहा कि वोटिंग का कोई औचित्य नहीं बनता, तो हमने वो कार्रवाई डालवा के उनसे कि जी हमने वोटिंग नहीं करानी, तो वोटिंग नहीं हुई। बाकी जो उनका त्यागपत्र था और जो उनके वो हुए जो उन्होंने खड़े होकर अपना पक्ष रखा हर एक मेंबर ने कि जी हम अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में हैं, तो 13 आदमी अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में था, पर चूंकि ज्योति शर्मा ने अपना रिजाइन दे दिया था तो इसलिए वोटिंग नहीं हुई। अब इसका नेक्स्ट आप कहेंगे कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अब इसका हम यहाँ से प्रक्रिया पूरी होगी, आज डिपॉजिट करा देंगे हम सारी कार्रवाई, इसके हम वैकेंसी क्रिएट करके भेजेंगे डायरेक्टर पंचायत से, डायरेक्टर पंचायत वो भेजेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन को, फिर पोस्ट नोटिफाई होके आएगी, नोटिफिकेशन होता पोस्ट का कि पोस्ट वैकेंट हो गई, उसके बाद इस पर इलेक्शन प्रक्रिया चालू की जाएगी। तब तक चेयरमैन कौन बने, क्या रहेगा सर चेयरमैन की सीट पे? आज के दिन मेयर कौन है? निवर्तमान मेयर है सर, अब तो कोई भी नहीं है सर, तो कौन देख रहा है कमिश्नर? तो जब चेयरमैन नहीं होता, हाउस ऐसा होता है, तो सीओ जिला परिषद सारे मामले डीसी के माध्यम से उनकी देख रेख करता है। ऐसा होता है कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्तीफा दे दिया तो अविश्वास प्रस्ताव तो हटाने के लिए था, बेसिकली इस्तीफा है, पर क्योंकि एक्ट में ये है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट होने से पहले उन्होंने रिजाइन नहीं कर दिया, स्टार्ट हो जाता तो फिर वो प्रक्रिया हो जाती, इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया, इसलिए वोटिंग नहीं कराई, अदरवाइज वो हमने तो वोटिंग के लिए तैयार कर रखा था अपना, आपने देखा होगा जाके फोटो देखना अपने, हमने बैलेट पेपर भी बढ़ा रखे थे, हम तो अपनी पूरी तैयारी से थे, यदि इलेक्शन कराना चाहेंगे इलेक्शन कराएंगे, बाई चांस क्या हो जाता है कि 7 और 10 की मेजोरिटी हो जाए तो फिर तो इलेक्शन ही कराना होता ना, जब बंदे डाउट में हों तो भाई इलेक्शन, जो 17 के 17 हो जाए कहेंगे इलेक्शन कराओ हमें भी नहीं बताते तो इलेक्शन होता। अब काउंटिंग वोटिंग कुछ नहीं हुआ, मैं उसने ज्योति शर्मा ने रेजिग्नेशन दे दिया, उस पर आपके वाइस प्रेसिडेंट मलिक ने कहा कि चूँकि रिजाइन दे दिया तो वोटिंग का कोई उचित ही नहीं रहता। तो सर जो अब अगला प्रोसेस है उसमें कितना टाइम लगेगा वैकेंट सीट के लिए, फिर आगे लेटर जाएगा? ये आपको बता दिया, लेटर यहाँ से जाएगा, इसमें उसकी तरफ से प्रक्रिया फिक्स है, विद इन 6 मंथ्स में वैकेंसी क्रिएट होनी होती है। बैठक में जैसा कि पहले से ही 1 महीने से ज़्यादा से प्रक्रिया चली हुई थी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित था कि चुनाव संपन्न कराया जाए, सारा अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए माननीय उपायुक्त महोदय ने चुनाव बड़ी निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाया। जैसे ही 3:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, 3:30 बजे तक का टाइम उसमें सभी पार्षदों का पहुंचने का एकदम एग्जैक्ट टाइम रखा गया था, तो 3:30 बजे ही ज्योति शर्मा जी भी वहां पहुंचे, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी तो उस वक्त इस्तीफा से काम नहीं चल सकता था, चुनाव संपन्न करना ही था, तो सारी चुनावी प्रक्रिया में सब समय लगा और सभी की वोट उसमें डली, तो कहीं कहीं उनको लगा कि उनके पास जो बहुमत का आंकड़ा उनको जुटाना था उसको नहीं जुटा पा रहे थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो क्या चुनाव हुए? हाँ, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चलती है तो बीच में रुक नहीं सकती, जैसे आप अन्य चुनाव भी आप देखते हैं, नामांकन का भरने का अपना समय है, उसका उठाने का अपना समय है, यदि उसके बाद कोई करता है तो फिर चुनाव का बेल्ट सिंबल मिलता है तो अंदर फिर चुनाव हुआ। तो कोई कैंडिडेट नहीं, ये कैंडिडेट चुनने की आज तिथि नहीं थी श्रीमान जी,
आज था खाली उसके प्रति जो प्रधान मैडम थे उनके प्रति विश्वास और अविश्वास का, तो अविश्वास प्रस्ताव जो आया था उसके पक्ष और विरोध का ये चुनाव था। तो आज खाली वो हटे हैं, जो अगली चुनावी प्रक्रिया है वो बाद में। 12 पार्षदों की जीत हुई है आज निश्चित तौर पे। सर जिला उपायुक्त का ये कहना है, सर जिला उपायुक्त का ये कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव शुरू होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनका इस्तीफा होगा, ये अविश्वास प्रस्ताव रहा ही नहीं। नहीं, मैं अंदर मीटिंग का हिस्सा हूँ, मुझे लगता है कि इनके आपके समझने में न रह गया, ऐसा वो नहीं है। वो तो सारी प्रोसीडिंग बुक है, उसमें एक एक बात को बड़ा माइन्यूटली लिखा गया है, तो वो उसमें सारा चुनावी प्रक्रिया उसमें हुई। कई बार तरीके होते हैं, कई बार हाथ उठा करके रिकॉर्डिंग करा करके खड़े होकर के या उसको बेल्ट पेपर से मशीन से, वो एक अलग अलग तरीका है। सेक्रेट बेल्ट पेपर से नहीं हुआ, लेकिन चुनाव सम्पन्न हुआ। उपायुक्त ने ये कहा कि आपने आपका नाम दिया गया कि आपने खुद खड़े होकर कहा कि मैंने प्रस्ताव रखा कि अब मैडम आए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जो मौजूद सभी अन्य हमारे गणमान्य पार्षद हैं तो सबकी इच्छा थी, तो मैंने उनकी ओर से प्रस्ताव रखा सदन में कि अब किसी प्रकार के सेक्रेट बेल्ट पेपर से चुनाव कराया जाए, इस बात की आवश्यकता नहीं है। हम सब सहमत हैं कि रिकॉर्डिंग करके और सभी की सहमति लेकर के चुनाव करवाया जाए। तो अगला चेहरा क्या आज नहीं आपकी तरफ से दिया गया? नहीं, उस अगले चेहरे का चुनाव ये सभी गणमान्य पार्षद करेंगे, वो मेरे हाथ की नहीं है। तो इसको आप अविश्वास मानते हैं या फिर इस्तीफा मानते हैं, आपकी भाषा में क्या है? प्रशासन की भाषा में ये इस्तीफा है। इस्तीफे में और अविश्वास में दोनों में अंतर है। इस्तीफे में वो पंचायत भी बात, यदि तकनीकी तौर पर बात करूँ तो इस्तीफा नहीं। मैं इस बात को दावे से और बिल्कुल ताल ठोक के इस बात को बोल सकता हूँ कि ये रिकॉर्ड और बड़ी ये एक प्रकार से संवैधानिक बात भी है और ऑन रिकॉर्ड बात है, इस प्रोसीडिंग बुक की आप कॉपी ले सकते हैं, ये चुना हुआ है। सुरेश जी, हाई कोर्ट जाने की क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ पे नहीं सुनाई हो रही? कहीं ना कहीं पार्षद साथियों को ऐसा लगा कि जो जिस मुहिम को, जिस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं अनावश्यक देरी सरकार या प्रशासन की ओर से ना हो जाए, तो उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वो समय पर हाई कोर्ट चले गए। तो माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि चुनाव करा करके इसकी रिपोर्ट की जाए, तो माननीय उपायुक्त महोदय ने भी बड़ी निष्पक्षता के साथ और बहुत ही सूझबूझ के साथ चुनाव को संपन्न कराया। इस्तीफे की कोई अलग प्रोसेस था, जैसे आप कह रहे हैं इस्तीफा नहीं है, विश्वास है, कोई अलग प्रोसेस था कि पहले देना चाहिए या बाद में देना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? प्रशासन की नज़रों में ये इस्तीफा ही है, आप डिनाई कर रहे हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है, नहीं पता नहीं आप कैसे गलत फीडबैक हो रहे हैं। नहीं, प्रस्ताव रखा तो मुझे अपने प्रस्ताव का पता है। मैंने ये कहा कि बेल्ट सेक्रेट पेपर से बेल्ट ना किया जाए, सेक्रेसी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस्तीफा है, ये अविश्वास नहीं है। बना करके हम डायरेक्टर को भेजेंगे, पंचायत विभाग को भेजेंगे, चुनाव आयोग को भेजेगा, उसके आधार पर 6 महीने तक वैकेंट पोस्ट रहेगी, उसके बाद चुनाव होगा, जो प्रक्रिया होगी। चलो, कुल मिला के आप बात का निचोड़ ये है कि आज वो प्रधान पद से वो निवर्तमान प्रधान वो हो गए, उसको आप आपके 12 पार्षदों की जो लड़ाई थी वो आज उसमें आप जीत आपने हासिल किया। 13 पार्षद मेरे पार्षद तो नहीं, वो सभी पूरे पानीपत जिले के पार्षद हैं, मैं अपने पार्षद कहूँ।